स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के लास्ट विलेज को, इंडिया की सबसे खूबसूरत जगह में से एक और नेचर के सबसे करीब। समुद्र तल से तकरीबन 10,133 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी जगह जहां बादल सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि जमीन पर भी चलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ नेचर और इंसान साथ मिलकर रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके हर कोने में आपको नजर आएगी खूबसूरती। एक ऐसी ही खूबसूरत जगह नाम है जिसका माणा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप भारत भ्रमण की और भी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो पास में दिए गए ऑल वाले बटन को पुश करना ना भूलें। अक्सर बादलों से घिरा रहने वाला ये विलेज इंडिया के सबसे ऊंची जगहों में से एक माना जाता है और यहीं से जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता। पांडवों ने भी यहीं से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। माना गांव तिब्बत की सीमा में स्थित उत्तराखंड का आखिरी गांव है और ये राज्य के चमोली जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अपनी सांस्कृतिक कला से मशहूर इस गांव की आबादी बिल्कुल कम है। ज्यादातर यहां पर लकड़ी से बने घर ही आपको नजर आएंगे। इस गांव का पौराणिक नाम है मणिभद्र। यहाँ पर जाने का सही समय है मई से अक्टूबर तक। बद्रीनाथ धाम के पास होने के कारणवश इसी समय के दौरान यहाँ पर भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि इसी समय के दौरान ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले रहते हैं। सर्दियों के समय में यहाँ पर ज्यादातर बर्फ होने के कारणवश ये यात्रा कठिन हो जाती है। यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश बस स्टेशन या ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद बद्रीनाथ की ओर जाने वाली बसें बद्रीनाथ आ सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर प्राइवेट टैक्सी करके भी आ सकते हैं। आप बद्रीनाथ दर्शन करने आते हैं तो माना गांव की विजिट अवश्य करें, क्योंकि बद्रीनाथ टेम्पल से इस मंदिर की दूरी है सिर्फ 3 किलोमीटर की। आप चाहें तो ये दूरी पैदल भी तय करके माना गांव पहुँच सकते हैं। तो फाइनली हम अभी पहुंच चुके हैं माणा गांव। और ये माणा गांव की आखिरी चाय की दुकान। यहां से सामने की तरफ देखोगे तो आपको नजर आएगा बद्रीनाथ का टेंपल और ठीक इसके पीछे जो रास्ता जाता है वह जाता है वसुधारा वाटरफॉल और स्वर्ग रोहिणी की तरफ। माना गांव से ऊपर की चढ़ाई पर चढ़े तो सबसे पहले आती है गणेश गुफा। कवि दंती कथन के अनुसार गणेश जी जब वेद लिख रहे थे तो सरस्वती नदी पूरे वेग से बह रही थी और बहुत ही शोर कर रही थी। गणेश जी ने सरस्वती नदी से कहा कि शोर ना करें, मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है, पर सरस्वती जी ने उनकी बात को अनसुनी कर दी थी। इस बात से नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि इससे आगे तुम किसी को नहीं दिखोगी। तभी से सरस्वती नदी यहाँ से आगे अदृश्य रूप में बहती है। गणेश गुफा से थोड़ी ही दूरी पे है व्यास गुफा। 5,326 साल पुरानी है ये व्यास गुफा और उसके ऊपर आता है भीमपुल। भीमपुल के बारे में भी कहावत है कि जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी तो भीम ने 2 बड़े पत्थरों को उठाकर उसके बीच में रख दिया। ऐसे ही निर्माण हुआ था भीमपुल का। भीमपुल के बिल्कुल बगल में ही बनाया गया है ये सरस्वती माता का मंदिर। सरस्वती नदी आपको सिर्फ यहीं पे नजर आएगी, क्योंकि ये यहाँ से शुरू होती है और ठीक 200 मीटर आगे लुप्त होती हुई गणेश जी के दिए के श्राप कारणवश अदृश्य रूप में बहती है। माना गांव से वसुधारा वाटरफॉल की दूरी है 5 किलोमीटर की। इस वाटरफॉल का पानी 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है जो एकदम मोतियों की बौछार जैसा लगता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम से नारायण पर्वत 30 किलोमीटर का पैदल सफर करके स्वर्गारोहिणी तक पहुंचा जा सकता है। मार्ग का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका होने के कारणवश इस सफर को पूरा करने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। चारों ओर बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां यात्रियों को मन मोह लेती। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी नए प्लेस पर नए वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।